सो हाय गाइस, माय नेम इज यू एंड यू वाचिंग द ऑटोडॉक्स YT चैनल। आप देख रहे हो द ऑटोडॉक्स YT चैनल। आज इस वीडियो में बात करने वाले हम महिंद्रा के XUV 3XO में, जो आपको ऑफर कर रही है फीचर्स, सेफ्टी, परफॉर्मेंस एंड साथ ही साथ गुड लुकिंग भी लगती है। सो आज इसी XUV 3XO की बात करने वाले हैं हम इसी वीडियो में। सो आपको जो है वीडियो आखिर तक देखते रहना और लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो पहले थोड़ा सा XUV 300 का इंट्रो मैं आपको देना चाहूँगा, थोड़ी सी हिस्ट्री में बताना चाहूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, महिंद्रा ने जो है इस कार को लॉन्च किया था इन फेब्रुआरी 2019, जब इको स्पोर्ट वा इस सेगमेंट में चल रही थी ऑन अ ट्रेंड एंड फॉर्ड जाने की तैयारी में था, बट इको स्पोर्ट तभी भी ट्रेंड कर रही थी। ये कॉम्पैक्ट SUV का सेगमेंट में महिंद्रा को एक कार चाहिए थी। सो महिंद्रा ने सोचा कि हमारी जो सेगमेंट टीवॉली है उसको हम कहीं ना कहीं सब 4 मीटर में लॉन्च करें इंडिया में, तो क्या वो अच्छे इंजन ऑप्शन के साथ तो क्या वो चलेगी कि नहीं, वो तो महिंद्रा को भी नहीं पता था। बट जब महिंद्रा ने ये किया, उसमें बहुत ही अच्छा डीजल इंजन दिया, बहुत ही अच्छा पेट्रोल इंजन भी ऑफर किया और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स दिए, बिकॉज टीवॉली जो है वो एक ऊपर की सेगमेंट की कार थी जिन्होंने महिंद्रा ने जो है सब 4 मीटर के साथ लॉन्च किया था इंडिया में, जिससे वो टैक्सेशन और ये सब कम लगे इसके लिए। बट ऑब्वियसली जो है महिंद्रा ने बहुत ही अच्छा इंजन ऑप्शन दिया था, बहुत अच्छी लगती थी ये गाड़ी इनिशियली जब 2019 में इसका लॉन्च हुआ, और टीवॉली के सब फीचर्स मोस्ट ऑफली इसमें आते थे, लाइक ऑटो डीमिंग IRVM आता था, ऑटो डीमिंग जो है मिरर्स आते थे, हीटेड ORVM सबको देखने मिलते थे, देन 7 एयरबैग्स के साथ कार आई थी इनिशियली जब आई थी तब, ड्यूल टोन इंटीरियर था, 7 इंच की डिस्प्ले थी, तब बहुत बड़ा जो है प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स का फीचर माना जाता था, हेलोजन लाइट्स थी, रियर फॉग लाइट्स थी, रियर डिस्क ब्रेक आती थी तब, ड्यूल टोन के साथ जो है महिंद्रा ने लॉन्च किया था इस कार को इनिशियली। तब तो आई थिंक नेक्सॉन भी जो है वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही थी इस वाले सेगमेंट में, बट जैसे ही महिंद्रा ने इस कार को लॉन्च किया तब जो है महिंद्रा को थोड़ा सा सक्सेस मिला, बिकॉज उनकी जो 500 थी उसमें जस्ट फेसलिफ्ट दिया था, तो वो भी ट्रेंड में चल रही थी, और 300 जब लॉन्च हुई तभी भी वो ट्रेंड में चली गई एकदम से। सो महिंद्रा के लिए एक बड़ा सक्सेस था। सो ये एक सक्सेसफुल कार तो थी ही उसके सेगमेंट में, और अभी जो है XUV 3XO के साथ महिंद्रा ने जो है थोड़ा बहुत फीचर्स अपग्रेड किया है, सेफ्टी अपग्रेड की है, बिकॉज एक बार ADAS लेवल 2 आता है कार में। सो ये सब इन डिटेल हम बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। सो वीडियो को आखिर तक देखते रहना, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंजन से बात करेंगे। सो आप देख रहे हो महिंद्रा का XUV 3XO का ओवरऑल इंजन, जो ये 1.2 लीटर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है M-Stallion वाला, और जिसकी बैजिंग आपको यहाँ पे देखने मिल ही जाएगी TGDI ऑटोमेटिक के साथ आपको ये देखने मिलने वाला है। टॉप मॉडल EXN L के साथ ही आपको इंजन मिलेगा, उसके नीचे वाले वेरिएंट्स में भी आपको मिलता है बट ऑटोमेटिक में ही मिलेगा, मैनुअल का ऑप्शन आई थिंक सो नहीं आता इसमें। टोटल 3 इंजन ऑप्शन आपको देखने मिल जाते हैं। एक डीजल आता है 1.5 लीटर टर्बो चार्ज, जो कि 300 Nm का टॉर्क बनाता है, जो कि अभी भी कंटिन्यू करती है महिंद्रा XUV 3XO में भी। और एक 1.2 लीटर टर्बो चार्ज M-Stallion वाला ये इंजन आता है TGDI वाला। एक 1.2 लीटर जो टर्बो चार्ज है बट वो थोड़ा कम पावर के साथ आपको मिलता है, और वो नीचे वाले वेरिएंट्स आपको देखने मिलने वाला है। इसमें आपको जो है कूलेंट यहाँ पे देखने मिलता है, देन फ्लूइड वॉशर फ्लूइड आप यहाँ से फिल कर सकते हो। टर्बो अगर आपको जानना हो तो आपको टर्बो यहाँ पे देखने मिल जाता है, अंदर बिल्कुल जो पार्ट है वो आपको टर्बो का लगा हुआ है। एयर फिल्टर आपको यहाँ पे देखने मिलता है, बैटरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है, एंड फ्यूज बॉक्स इसके अंदर आपको देखने मिलता है। ओवरऑल जो है इंजन भी बहुत ही बिजी रखा गया है, और नीचे आप जो है कवर भी आपको देखने मिलता है, तो अच्छे से जो है कवरिंग भी की गई है इंजन के नीचे से भी। सो जो है कॉस्ट कटिंग इस मामले में थोड़ी कम रखी है महिंद्रा ने यहाँ पर, और नीचे आपको जो है फैन वगैरह कंडेंसर का भी देखने मिल जाता है, एयर फिल्टर वगैरह भी मिलता है। सो आपको ओवरऑल इंजन कैसा लगा XUV 3XO का? अब बढ़ते हैं इसके फ्रंट लुक की तरफ। आपको बाय द वे इंसुलेशन भी यहाँ पे देखने मिलता है। अगर लाइट की बात कर लो तो आपको यहाँ पे LED लाइट देखने मिल जाती है, महिंद्रा की न्यू LED लाइट आपको यहाँ पे मिलती है। ये क्रोम का इंसर्ट आप बीच में देख सकते हो, ये आपको LED बीम देखने मिल जाती है, जिसमें हाई बीम लो बीम बीच इसके अंदर ही होगा। फॉग लैंप आपको यहाँ पे देखने मिलने वाला है, और ये आप DRL में भी कन्वर्ट होती है, और आपको यहाँ पे इंडिकेटर भी देखने मिल जाएगा। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपको नीचे देखने मिल जाएगा। ओवरऑल बम्पर वगैरह जो है वो आपको बहुत ही अच्छा मिलता है, और कहीं ना कहीं जो है आपको यहाँ पे ADAS का जो रडार है वो भी मिलता है, बिकॉज इसमें ADAS लेवल 2 की टेक्नोलॉजी आती है। आपको ये ग्रिल जो है वो क्लोज मिलेगी, बिकॉज अब फ्यूचर में जो है महिंद्रा जो है इस पर काम करेगा इलेक्ट्रिक में भी। सो ग्रिल को जो क्लोज रखा गया है, पियानो ब्लैक की ये फिनिश देखने मिलती है, महिंद्रा का लोगो है, और ये स्लाइड्स में ग्रिल आपको देखने मिल जाएगी महिंद्रा की, टिपिकल वाली डिज़ाइन लैंग्वेज।
अब फ्यूचर में जो है कनेक्टिंग DRLs वगैरह भी आ सकती है 3XO में। अब नाम चेंज कर दिया है तो बहुत सारे जो एलिमेंट्स भी चेंज कर देगी महिंद्रा आने वाले टाइम में, बट आपको यहाँ पे DRL दिखने मिलती है, फॉग लैंप, बीम और नीचे पार्किंग सेंसर जैसे यहाँ पर मैंने दिखाई दिया। एक फ्रंट पार्किंग कैमरा भी आपको यहाँ पे देखने मिलता है बिकॉज इसमें 360 पार्किंग कैमरा आता है। रडार यहाँ इसके बिल्कुल पीछे जो है वो दिया जाता है, आप रडार की प्लेसमेंट देख सकते हो। और फ्रंट से एक बार आपको मैं लुक दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत। सो इस तरीके से कुछ फ्रंट और सबसे वाइड ऐसे कार में सेगमेंट में, सो वो भी जो है एक एडवांटेज है यहाँ पर 3XO के लिए। आपको बॉडी क्लैडिंग थ्रू आउट कार के देखने मिल जाएगी और ये 17 इंच के डायमंड कट तो नहीं बोल सकते बट वन टाइप ऑफ डायमंड कट एरो एफिशिएंसी वाले जो है व्हील्स मिलते हैं बिकॉज ये आप देखोगे तो कवर लगा हुआ है, मतलब ये जो है बहुत ही हार्ड मटेरियल है, प्लास्टिक नहीं है, ये बहुत ही हार्ड मटेरियल है और प्रॉपर एक एलॉय व्हील देखने मिलता है। और कहीं ना कहीं ये माइलेज वगैरह में भी डिफरेंस ला सकते बिकॉज ये पार्ट जो है कवर है। सो इलेक्ट्रिक में जब भी आएगी तब ये जो है अच्छे से जो है एरोडायनामिक भी अच्छा बोला जा सकता है ये व्हील। सो अगेन ओवरऑल डिज़ाइन तो है वो आप देख सकते हो, आपको पसंद आई या नहीं आप मुझे ज़रूर कमेंट बता सकते हो, बट मैं आपको एक बार इसकी डायमेंशन बता दूँ तो 215/55 R17 इंच की व्हील्स आपको मिलते हैं। फ्रंट में आपको जो है डिस्क ब्रेक देखने मिलेगी, सस्पेंशन वगैरह आप देख सकते हो और जो डिस्टेंस है बॉडी और व्हील में वो भी अच्छा है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 201 का ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने मिलता है, मतलब 201 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। अगेन अभी जो अगर हम देखें तो डिस्टेंस बहुत है, मतलब सफिशेंट है, आप सिटी में चलाओ या कहीं रफ रोड में ले जाओ तो गाड़ी जो है टच नहीं होगी। अब साइड में थोड़ा बढ़ते तो आपको ये बॉडी क्लैडिंग मैंने दिखाई, थोड़ा सा पार्ट पता नहीं ऐसा क्यों किया महिंद्रा ने बट तो अच्छा लगता है थोड़ा बहुत। और ये आपको TGDI ऑटोमेटिक की बैजिंग आपको मिलेगी बिकॉज ये टॉप ऑफ द लाइन EXL है जिसमें TGDI सबसे महंगा वेरियंट ही है ये, इससे आपको यहाँ पर बैजिंग देखने मिल जाएगी। रेगुलर वाइपर्स आपको मिलेंगे, एडास का जो कैमरा है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है Level 2 के लिए। मिरर की बात करें तो आपको वाटर फोल्डेबल एंड अनफोल्डेबल वाले मिरर्स आते हैं। 360 पार्किंग कैमरा का लेफ्ट कैमरा आपको यहाँ पे मिलता है। ओवरऑल जो है क्या अगर मिरर्स की बात करें तो वो भी डिसेंट साइज़ के, और जो है अगर आप बात करो तो रिक्वेस्ट सेंसर आपको लेफ्ट साइड में नहीं मिलता है, पैसेंजर को रिक्वेस्ट सेंसर नहीं आता बट ड्राइवर साइड आपको ज़रूर मिलेगा। बॉडी क्लैडिंग थ्रू आउट करके देखने मिल जाने वाली है। और स्पेस वगैरह की बात करें तो वो भी बहुत ही अच्छा दिया गया है, जो कि हम अच्छे से बात करेंगे इंटीरियर में की जब बात करेंगे तब। ओवरऑल एक बार कार का लुक ले लो आप थोड़ा सा, सो इस तरीके से लगती है कार। यहाँ पे थोड़ा बहुत और ब्लैक एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है, पियानो ब्लैक जैसा एलिमेंट है यहाँ पर। इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिलता है, कनेक्टिंग टेल लैंप्स आपको मिलेंगे, EXL की बैजिंग मिलेगी, XUV3XO की बैजिंग आपको ये मिलेगी, महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा वो लेकिन बहुत अच्छा लगता है। पार्किंग लाइट जो है आपको ब्लू में देखने मिल जाने वाली है, सॉरी लाइसेंस लाइट। 360 कैमरा का बैक कैमरा आपको यहाँ पर मिलता है, और जो ये वाला प्लास्टिक वाला वो थोड़ा ज़्यादा रखा गया है यहाँ पर मेरे मानने से। 2 पार्किंग सेंसर्स आपको पीछे मिलते हैं, और अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बाय द वे टेल के टाइप में होता है, सो कुछ इस तरीके से ओपन होता है। और 364 लीटर्स की आपको यहाँ पे जो है स्पेस देखने मिल जाएगी, हुक्स वगैरह भी आपको मिलते हैं यहाँ पर, सो अगेन बहुत अच्छी बात है। एंड लगेज लैंप आपको LED में अगेन दिया जाता है, एक बार ओवरऑल लुक ले लो थोड़ा दूर से। तो 364 लीटर्स का जो बूट स्पेस है डिसेंट है, 60-40 स्प्लिट आपको जो बेस वेरिएंट है वही से देखने मिलने वाला है। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं जो कि आगे जाके हम और डिटेल में बात करेंगे, बट ओवरऑल आप ये बड़े बड़े कैबिन साइज की बैग यहाँ पे देखने मिल जाती है आपको, जो कि आप रख सकते हो, और सब बूफर आपको मिलता है, सो उसकी भी प्लेसमेंट यहाँ पीछे रखी गई है। ओवरऑल जो है वो डिसेंट है बूट स्पेस, और अगर 3 बंदे जा रहे हो तो उसके लिए तो सफिशेंट ही है। और 3XO AX7L की बैजिंग जैसे कि आपको मैंने दिखाई दी। रियर फॉग लाइट का कोई भी प्रोविज़न यहाँ पे नहीं आता, और जो अगर एग्जॉस्ट की बात करें तो वो भी आपको एक ही दिखने मिलता है यहाँ पर, और ये सिर्फ फिक्स्ड अप दिया गया है यहाँ पर। एंड थ्रू आउट जो है बॉडी क्लैडिंग आपको मैंने दिखाई दी रियर में, आप और आपको जो है रिवर वाइपर वॉशर्स देखने मिल जाते हैं हाई माउंट स्टॉप में, और शार्क फिन एंटीना नहीं आता बट आपको स्काई रूफ जरूर मिलता है, और रूफ रेल्स भी आपको दिए जाते हैं जो कि फंक्शनल नहीं है। और अगर हम बात कर लेते हैं तो इंटीरियर में जंप करने से पहले आपको जो है एक बार रिफ्रेश सेंसर देख लो आप, इसको यहाँ पे मिलता है, सो यहाँ से आप अनलॉक कीलेस एंट्री आपको मिलती है यहाँ पर,
क्रियाना ब्लैक की फिनिशिंग आपको जो मिरर है वहाँ पे भी दी जाती है। सो अगेन वो भी बहुत अच्छी बात है। सो ओवरऑल मैं एक बार लुक आपको दे देता हूँ। और कलर ऑप्शन की बात करें तो आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन यहाँ पे देखने मिल जाते हैं। 8 मोनोटोन और 8 ड्यूल टोन कलर ऑप्शन, मतलब टोटल 16 कलर ऑप्शन के साथ आपको जो है कार यहाँ पे देखने मिल जाने वाली है, जो कि आप एक एक करके स्क्रीन पे देख ही सकते हो। कलर आपको यहाँ पे बहुत सारे जो है वेरिएंट्स भी देखने मिलते हैं, MX, MX2, MX2 Pro, MX3, MX3 Pro, AX5, AX5L, AX7, AX7L और डिफरेंट इंजन ऑप्शन के साथ आपको मिलेगी। तो बहुत सारे वेरिएंट्स भी आपको जो है महिंद्रा में XUV 3XO में देखने मिल जाएंगे। सो ओवरऑल जो है, अब ये तो एक्सटीरियर की बात होगी, इंटीरियर में जम करते हैं। आपको इंटीरियर में क्या क्या फीचर्स ऑफर कर रही है ये वो मैं बता देता हूँ एक बार, चलो। सो फाइनली हम आ गए हैं महिंद्रा XUV 3XO के ओवरऑल कैबिन के अंदर। और यहाँ पे आपको जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले ही चीज़ नोटिस करोगे, आपको जो स्टेयरिंग व्हील है वो आपको जो महिंद्रा का टिपिकल वाला वो देखने मिलता है। न्यू वाला भी आएगा बहुत ही जल्दी, जहाँ पे आपको जो है टाटा की तरह जो है इल्यूमिनेशन वाला लोगो आएगा महिंद्रा का न्यू, जो कि इलेक्ट्रिक में आ सकता है आई थिंक सो। बट इस वाले स्टेयरिंग व्हील में भी बहुत सारे फीचर्स जो है वो आते हैं, तो एक एक करके देख लेते हैं, चलो। तो पहले तो आप नोटिस करोगे आपको यहाँ पे जो है 1X में मैं एक बार दिखा देता हूँ, आपको यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल देखने मिल जाएंगे, वॉइस कमांड एंड सोर्स के कंट्रोल यहाँ पे देखने मिल जाएगा। यहाँ से आप उठा सकते हो कॉल, यहाँ से काट सकते हो कॉल। महिंद्रा का लोगो आपको बीच में मिलेगा, एयरबैग भी मिलेगी, हॉर्न भी मिलेगा। और क्रूज कंट्रोल की सेटिंग से आपको मतलब क्रूज कंट्रोल यहाँ से आप ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। कितनी कार दोनों कार में डिस्टेंस होना चाहिए, बिकॉज इसमें लेवल 2 ADAS आता है, सो आप एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वाले सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के वेरियस जो है इन्फॉर्मेशन वो एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि फ्यूल इन्फॉर्मेशन की बात कर लो, या चाहे आप बात कर लो व्हीकल इन्फॉर्मेशन की, ड्राइव इन्फॉर्मेशन, देन अलर्ट हिस्ट्री, जो भी अलर्ट्स आएंगे वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। सेटिंग्स में आपको वेरियस ADAS लेवल 2 के सेटिंग्स देखने मिल जाएंगे, जो कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो। अभी कुछ इस तरीके से जो है सेटिंग्स आपको मिलते हैं, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर्स होने चाहिए, टाइपेशन मॉनिटरिंग क्या क्या होना चाहिए, साउंड कैसी होनी चाहिए, बिकॉज इसमें जो है इंडिकेटर्स के भी साउंड आप सेट कर सकते हो। फिर अगर आप और सेटिंग की बात करो तो आप यहाँ पे डिस्प्ले लेआउट में चेक कर सकते हो। इसमें आपको 3 लेआउट्स आते हैं, नॉर्मल, देन इन्फॉर्मेशन, मिनिमल, ऐसे 3 डिफरेंट मोड्स आपको यहाँ पे डिस्प्ले के देखने मिल जाते हैं। ड्राइवर असिस्टेंट की बात करें तो आपको ड्राइवर असिस्टेंट के ADAS लेवल 2 वाले जो भी सेटिंग्स है वो आपको यहाँ पे देखने मिल जाने वाली है। और बात कर लेते हैं तो जो है नेविगेशन, आप यहाँ पे फुल व्यू ले सकते हो नेविगेशन का, कुछ इस तरीके से। अगर आप यहाँ इस वाले बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो आपको जो है फुल व्यू नेविगेशन का मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत काम भी आता है ये। और फीचर्स की बात करें तो आपको जो है व्हीकल इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे वेरियस व्हीकल के जैसे कि टाइपेशन मॉनिटरिंग आपको देखने मिल जाता है, टायर टेम्परेचर मीटर भी देखने मिलता है। सो अगेन ये बहुत अच्छा फीचर है, गर्मियों में अगर स्पेशली बात करो तो ये बहुत फीचर काम भी आता है। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर देखने मिल जाएगा, फ्यूल का गेज यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आपको जो है इंजन का टेम्परेचर और देन 8000 RPM का मीटर दिया गया है, बिकॉज ये पेट्रोल वाला वेरिएंट है। इसके लिए आपको यहाँ पे गियर दिखा देगा, PNRD कौन सा लगा हुआ है आपने गियर। आपको ये नीचे टिल्टेड लाइट्स देखने मिल जाएगी। अगर आप ड्राइव मोड चेंज करते हो तो अभी आप जो आपको यहाँ पे जो है वेरियस ड्राइव मोड्स के जो है लेआउट्स देखने मिल जाएंगे। ये जूप वाला है, सबसे फास्टेस्ट मोड है ये। एंड बात कर लेते हैं तो आपको ये स्टेयरिंग व्हील जो है फ्लैट बॉटम वाला नहीं मिलता, बट ठीक है काम चला सकता है ये। और लेदर रैप आपको अगेन देखने मिलता है, नीचे आपको एल्यूमिनियम पैडल्स भी देखने मिल जाने वाले हैं, जो कि अगेन बहुत अच्छे लगते हैं, प्रीमियमनेस ऑफर कर रहे हैं। और अगर आप बात करो ड्राइवर साइड में, आपको विंडोज़ के कंट्रोल देखने मिलते हैं, ऑटो अप एंड डाउन मिलेगा आपको, ये आपको देखने मिलता है ORVM के एग्जिस्टिकल इलेक्ट्रिकल एग्जिस्टमेंट। यहाँ से आप ऑटो फोल्डेबल एंड अनफोल्ड कर सकते हो अपने मिरर्स को कुछ इस तरीके से। और अगर आप चाइल्ड लॉक कर सकते हो ऑन या ऑफ, वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। और बहुत ही अच्छा सा प्रीमियम टच आपको यहाँ पे देखने मिलता है, सॉफ्ट टच अगेन यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है महिंद्रा में, महिंद्रा XUV 3XO में। यहाँ पे ब्लश एल्युमिनियम डोर हैंडल्स देखने मिलते हैं। यहाँ पे और थोड़े से फीचर्स भी दिए जाते हैं, तो कुछ इस तरीके से डायनामिक हिल असिस्ट दिया जाता है, ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप, पार्किंग सेंसर ऑन एंड ऑफ, हेडलाइट लेवलिंग के स्विच देखने मिलती है, AC वेंट्स आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे, जो कि अगेन पियानो ब्लैक में फिनिश है। यहाँ पे आपको अगेन सॉफ्ट टच का इस्तेमाल किया गया है, सो वो बहुत अच्छी बात है। टचस्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अगेन बात कर लेते हैं तो 10.25 इंचेस की आपको देखने मिलती है। अगेन ये भी बात करें तो 10.25 इंचेस का ही देखने मिलता है, बहुत ही फ्लुएंट है। आपने ये स्क्रीन जो है XUV 700 में भी ऑलरेडी देख के रखी है, वही सेम लेआउट आता है,
एक बार 360 कैमरा आपको मैं दिखा देता हूँ, तो वो भी बहुत ही डिसेंट है, ऐसा नहीं बोलूँगा सबसे अच्छा है बट डिसेंट है, काम चला सकता है आपका। सबसे बेस्ट नेक्सॉन में आपको यहाँ पे जो है कैमरा देखने मिलता है, आप फ्रंट व्यू ले सकते हो, बैक व्यू भी ले सकते हो, कुछ इस तरीके से वेरियस मोड्स आते हैं यहाँ पर, लेफ्ट एंड राइट, देन अगर आपको सिर्फ पीछे का देखना हो, आपको सिर्फ आगे का देखना हो, और ये 3D व्यू आपको एक तरीके से देखने मिलता है जो कि आप यह देख ही सकते हो, जूम एंड जूम आउट उसमें भी आप कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है और काम चला सकता है आपका। आगे और पीछे आपको पार्किंग सेंसर्स देखने मिलते हैं, दो दो आते हैं, और बात करें कैमरा क्वालिटी की तो वो भी डिसेंट है। सेटिंग्स की बात कर लेते हैं तो आपको डिस्प्ले, जनरल व्हीकल्स की सेटिंग्स, ऑडियो, बिकॉज इसमें हार्मन कार्डन आता है तो आपको 7 स्पीकर के साथ साथ जो है ऑडियो मोड्स भी देखने मिलते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है, वो मैं आपको रील में सुना के दिखा दूंगा। रेडियो आपको यहाँ से डायरेक्ट शॉर्टकट दिया हुआ है, वॉल्यूम का नॉब दिया गया है, यहाँ से आप बंद भी कर सकते हो स्क्रीन, और यहाँ से आप जो है कॉल के जो मेन्यू है वो ओपन कर सकते हो, म्यूजिक का मेन्यू ओपन कर सकते हो कुछ इस तरीके से, और होम पे आप और एप्लीकेशन भी आपको देखने मिलती है, तो वो अगेन बहुत अच्छी बात है, और बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पे देखने मिलते हैं, ड्राइव मोड्स आते हैं तो वही से आप जो ड्राइव मोड भी सिलेक्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से, और ऊपर से अगर आप स्वाइप कर रहे तो आप जो है वेरियस शॉर्टकट्स का अगेन इस्तेमाल कर सकते हो, SOS यहाँ से करना हो, म्यूट करना आपकी स्क्रीन को, और जो भी वायरलेस चार्जिंग यूज़ इस्तेमाल करोगे तो वायरलेस चार्जिंग का भी जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको देखने मिलने वाला है। क्लॉक है, विजिट्स है, बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत यूज़फुल भी है, और AC का भी जो मेन्यू है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, फिजिकल चाहिए तो आप फिजिकल भी यहाँ से जो है एक्सेस कर सकते हो AC कंट्रोल को, वेरियस शॉर्टकट्स भी दिए गए हैं, सो वो भी बहुत अच्छी बात है। और महिंद्रा इसको बस रहने देना, इसको मत निकाल, इसको टच पैनल मत करना। हॉरिजॉन्टल AC बैंड्स आपको देखने मिलते हैं, वेरियस कंट्रोल्स यहाँ पे अगेन फिजिकल देखने मिलते हैं, ड्राइव मोड्स के, ट्रैक्शन कंट्रोल के, एज अ लैम्प का बटन आपको देखने मिलता है, यहाँ पे आपको जो है AC के ओवरऑल जो है देखने मिलते हैं नॉब्स, तो अगेन ये भी बहुत अच्छी बात है, फिजिकल कंट्रोल अभी भी रिटेन किए हुए महिंद्रा ने यहाँ पर। 65 वॉट का फास्ट चार्जिंग सी टाइप दिया जाता है, और रेगुलर ए टाइप भी आपको USB देखने मिलता है, वायरलेस चार्जिंग आपको दिया जाता है, गियर लीवर आपको देखने मिलता है बिकॉज ये ऑटोमेटिक है, सो आपको PNRD गियर बॉक्स देखने मिलने वाला है। पियानो बैक की सराउंडिंग में फिनिश दी गई है, लेदर रेड का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे चाबी की बात कर लेते हैं तो आपको लॉक, अनलॉक एंड देन टिपिकल महिंद्रा की वही की जाती है, बूट ओपन कर अनलॉक कर सकते हो इससे। 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ पे देखने मिल जाते हैं, और यही से जो है आप पार्किंग जो है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आती है सो वो निकालना या लगाना वो आप लगा सकते हो, ऑटो होल्ड का फंक्शन आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। आर्मरेस्ट की बात करें तो वो भी आपको जो है टिपिकल डिसेंट साइज की देखने मिलती है, और ये आगे पीछे नहीं होती है, सिर्फ आप ऐसे ही रख के इस्तेमाल कर सकते हो इसको। एंड साथ ही साथ बात करें तो ओवरऑल कैबिन तो वो भी अगेन ड्यूल टोन में फिनिश है, सॉफ्ट टच मटेरियल है, हार्ड नीचे हार्ड प्लास्टिक है। ग्लोव बॉक्स की बात करें तो वो भी जो है बहुत बड़ा दिया जाता है, एक अंदर लाइट भी आती है और कूलेंट फंक्शन भी आपको यहाँ पे दिया जाता है ग्लोव बॉक्स में। सो फीचर्स तो बहुत आते हैं कार में, फीचर की बात करें तो जो XUV700 में नहीं आता बट आपको यहाँ पे देखने मिलता है XUV3XO में, जो कि है फ्रेमलेस IRVM आपको यहाँ पे मिलता है। लाइट की बात करें तो LED लाइट्स आपको यहाँ पे दी जाती है, सनरूफ भी आपको मिलता है जो कि अगेन, एंड साथ ही साथ बात करें तो आपको यहाँ से साइन ब्लाइंड जो है वो हटा सकते हो, लगा सकते हो, यहाँ से ओपन कर सकते हो सनरूफ या स्काई रूफ। आपको यहाँ पे मिरर नहीं आता, यहाँ पे आपको मिरर देखने मिलता है विथ लाइट आती है, क्योंकि अगेन LED आपको देखने मिलने वाली है। यहाँ पे वेरियस कैमरा आपको ADAS के देखने मिल जाते हैं, इसके पीछे रेंज सेंसर्स के सेंसर्स भी इसके पीछे ही आते हैं। अब ये तो हो गए आगे की फ्रंट की बात, अब जाते हैं पीछे, बिकॉज उसमें जो है स्पेस भी बहुत अच्छी आती है और सेगमेंट में सबसे वाइड कार है, सो पीछे 3 लोग आराम से बैठ सकते, तो वो भी आपको दिखाना है, तो चलो फटाफट से पीछे जाते हैं। तो आप इतनी स्पेस आपको देखने मिल जाएगी, वाइड है कैबिन मैंने जैसे कि बात की ही, और टीवोली पे बेस है तो आपको जो है प्रॉपर जो है सेगमेंट में स्पेस तो मिलेगी ही मिलेगी, और आगे एक 5.7 का बंदा बैठ सकता है आराम से गाड़ी ड्राइव करते वक्त। ये पूरी सीट पीछे है, सो आप ये और ये सीट का डिफरेंस तो देख ही सकते हो। रियर में आपको AC वेंट्स आपको मिलते हैं, इतनी स्पेस है, डिसेंट है। थाई सपोर्ट की बात करें तो मेरे हिसाब से अच्छी, बट 6 फुट के बंदे के लिए जो है थाई सपोर्ट थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल हो सकती है। हाइट एडजस्टेबल बाय द वे सीट बेल्ट आपको मिलते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। एंड SRS एयरबैग, बिकॉज इसमें 6 एयरबैग्स आते हैं, ADAS लेवल 2 की टेक्नोलॉजी आती है। आइसोफिक चाइल्ड माउंट्स भी आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं, ये रहे एंकर्स भी दिए जाते हैं चाइल्ड माउंट्स के। लाइट आती है LED वाली, ग्रैब हैंडल दिए जाते हैं, हुक्स दिए जाते हैं, स्काई रूफ दिया जाता है बहुत ही अच्छा सा, जो कि ओपन भी बहुत अच्छे से होता है। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिलते हैं, बिकॉज इसमें 3 पीपल आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। ये ऐसे सेगमेंट की गाड़ी है जिसमें आप 3 बंदे आराम से बिठा सकते हो, बट बीच में अगर मेरे जैसा बंदा बैठ जाए तो
बट एंड्रॉइड हाई सपोर्ट उसको नहीं मिलेगी, उसको इस तरीके से बैठना पड़ेगा तो वो अच्छे से बैठ पाएगा, बट तीन पीपल आराम से बैठ सकते हैं। एंड मैगजीन होल्डर सबको दोनों ही साइड देखने मिलने वाला है। ग्रैब हैंडल आपको जो है मिलता ही है जैसे कि बात की, और सिक्स एयरबैग्स है तो आपको पूरा ऑल द वे कर्टन एयरबैग यहाँ तक आपको मिलने वाला है। और ये अगेन फिक्स आपको सीट बेल्ट दिखने मिलता है। आर्मरेस्ट आपको आती है ट्विन कप होल्डर के साथ, जो क्वालिटी ओवरऑल सीट की वो भी बहुत ही अच्छी और कुशनिंग वाली सीट दी जाती है। आप ये देख ही सकते हो बहुत ही अच्छे से जो है कुशन वाली सीट आपको मिलती है, तीन बंदे बैठ सकते हैं आराम से। सेगमेंट में कुछ गाड़ी ऐसा है जिसमें दो बंदे ही बैठ सकते हैं, सो उसके हिसाब से देखें तो एक्सयूवी थ्री एक्सो में अच्छी खासी स्पेस है, बिकॉज वाइड है सेगमेंट में तो आपको थ्री बंदे तो आराम से बैठ ही सकते हैं। अब देखो अब इतनी स्पेस आपको मिलेगी बिकॉज है ही नहीं, अब तो स्पेस है ही नहीं जो कि, सो इतनी खासी स्पेस आपको मिलने वाली है अगर ये ऑल द वे सीट पीछे और रिक्लाइन करके रखी हो तो। स्पीकर की प्लेसमेंट आपको देखने मिलती है और सॉफ्ट टच का मटेरियल जो है यहाँ पे आप इस्तेमाल किया हुआ है, तो अगेन प्रीमियमनेस जो है पीछे भी ऑफर की गई है। एक एक लीटर की बॉटल होल्डर आपको यहाँ पे बैठ जाएगी। रियर एसी वेंट्स आते हैं, चार्जिंग आपको सी टाइप वाला मिलता है, 12 का भी सॉकेट आता है जिसमें आप जो प्लग कर सकते हो मोबाइल रखने की, एक डेडिकेटेड स्पेस दी गई है। तो स्पेस के मामले में देखें, स्टोरेज स्पेसिस के मामले में तो बॉडी अच्छी है, बहुत सारी स्टोरेज स्पेसिस भी ऑफर कर रही है। एंड ओवर स्काई रूफ का नज़ारा भी आप पीछे बैठ के भी इंजॉय कर सकते हो अगर आप कहीं पहाड़ों वगैरह में गए तो। ड्राइवर के लिए आपको ग्रैब हैंडल नहीं मिलता, बट आप पैसेंजर के लिए ज़रूर मिलता है, और वहाँ पर जो है आपको हुक नहीं मिलेगा। सो ओवरऑल जो है एक्सयूवी थ्री एक्सो का एक कैबिन लुक मैं आपको दे देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से जो है उसका डैशबोर्ड प्रीमियम लगता है और जो है ड्यूल टोन के साथ आपको डैशबोर्ड मिलेगा, सो वो भी अगेन बहुत अच्छी बात है। सो आपको कैसी लगी एक्सयूवी थ्री एक्सो, एक बार मैं आपको बाहर जाके थोड़ा बहुत लुक दे देता हूँ कैसी लगती है, और कुछ इस तरीके से जो है इंग्रेस एग्रेस भी है एक्सयूवी थ्री एक्सो का, तो वो भी अच्छा है मतलब। एंड ग्राउंड क्लियरेंस 201 NM की जैसे कि मैंने बता ही दिया आपको, और डोर का थर्ड भी बहुत अच्छा है बिकॉज सेफ्टी में आपको 5 स्टार मिली हुई है इस कार को, सो सेफ्टी में भी अगेन बहुत ही अच्छी बात है कार की। ओवरऑल जो है अब आपको एक बार लुक दे देता हूँ, आप कैसी लगी 3XO आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताओ, और कौन सा फीचर ज़्यादा अच्छा लगा 3XO में वो भी आप मुझे बता सकते हो। फीचर का स्पेसिफिकेशन एंड जो वेरियस स्पेसिफिकेशन है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। 8 लाख से ये कार स्टार्ट होती है, ऑल द वे जाती है टिल जो प्राइस है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, बिकॉज एक्सोम चेंज होती रहती है, सिटी में भी वेरी करेगा, डिफरेंट सिटीज़ के डिफरेंट प्राइजेज होते हैं तो वो भी वेरी कर सकते हैं, बट एक्स शोरूम जो स्टार्टिंग प्राइस है वो फिक्स है 8 लाख 7.64 लैक्स, वो जो कि फिक्स प्राइस है। और कुछ इस तरीके से जो है ओवरऑल कार लगती है, प्रीमियम लगती है, थोड़े फीचर्स ऑफर कर रही है बहुत ज़्यादा, अभी तो कहीं ना कहीं कम्पीट करती है नेक्सॉन सोनेट एंड वेरियस अदर कार्स से। सो आपको ओवरऑल ये एक्सवी थ्री एक्सओ कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट बताओ। चलो मिलते हैं एक ऑल न्यू वीडियो में एक ऑल न्यू कंटेंट के साथ।